आशिकी। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और मैंने सुना कई लोग ये भी कहते हैं कि प्यार गूंगा और बहरा भी होता है। बट क्या कभी प्यार ऐसा हो सकता है कि दो लोग जिन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा और एक दूसरे के सच्चे प्यार में पड़ जाए बिना देखे? अगर कभी ऐसा हुआ तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। मैं ऋत्विक धनजानी आज ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास ये है आशिकी में ऐसी कहानी लेकर आया जो इतनी इंटरेस्टिंग है। फिर देख कैसी जिंदगी में जान आ जाएगी तेरी। ओ तो फिर गेड़ी शेड़ी किन्ने मारनी है ओ कुकड़ चुकड़ दे गए। पता नहीं क्या चाहिए होता है इन लड़कियां नू। देख उस लुंडे को कैसे चिपक के बैठी है। हसी आवे डोले सोले बना के बैठे हैं। ओए डोले चलो बेकार है काम के नहीं है। ओए कक्के रोना बंद कर है? इन लड़कियों को पटाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस बात करनी आनी चाहिए है? अच्छा अरे इन लड़कियों को ना सेंटी सी बातें सुननी बड़ी चंगी लगती है। ओए तू तो रहने दे मेरे भाई, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि रोज कटरीना और करीना से बात करता है ये। मैं बताता हूँ जब लड़की से बात होती है ना तो ये कैसे बैंड बजती है। ए तू मेरे को अंडर एस्टिमेट ना करी हो। हाँ ला पेपर दे, पेपर दे, अब भी दिखाता हूँ तुझे करण दा कमाल। देख रहा हूँ। ओए आ अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। हाँ फोन ला दे दे। ओए बैलेंस है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ देखियो। यू नो वैसे ट्रेनिंग में तो तुम्हें सब कुछ समझा दिया गया है, पर ये डेटाबेस है, प्लीज इसे ठीक से कर लेना। यस एंड इट्स योर फर्स्ट डे सो डू अ ग्रेट जॉब। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू सो मच। अरे प्लीज पिक अप द कॉल। यस सर। सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर बनाए आपकी जिंदगी आसान। नमस्कार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ओहो जी नमस्कार जी। ओ कितनी सोनी आवाज है जी आपकी, दिल को छू गई। अब तो पूरी रात आप ही की आवाज सुनने को दिल करेगा जी। अरे क्या हुआ, गो ऑन। यस सर, अगर आपको कोई शिकायत है तो हमें बताइए, हमारे टेक्नीशियंस आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ओहो मैडम जी, दिल की बात टेक्नीशियन क्या जाने। हाँ अगर आप हमारी मदद कर सकती हैं तो बहुत मजा आएगा। सतनाम श्री वाहेगुरु। ओए वाहेगुरु वाहेगुरु, कितनी सोनी आवाज है जी आपकी। सर हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं मार्केट में, आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे? ओ जी जानकारी तो हम आपके बारे में लेना चाहेंगे। बस आप अपना नाम और फोन नंबर दे दीजिए तो फ्रेंडशिप हो जाएगी जी है? और जी हम तो बात बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ाते हैं। सर सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपकी सेवा करने का अवसर हमें दोबारा प्राप्त होगा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। मेरी बात इसकी तो बैंड बज गई। प्रीत प्लीज कम टू माय कैबिन। यस। प्रीत आई नो कि जॉब पर तुम्हारा आज पहला दिन है, लेकिन जैसा कि तुम्हें ट्रेनिंग सेशन में बताया गया था कि तुम्हें बहुत बार इस टाइप के कस्टमर्स को डील करना पड़ेगा, हमारी कंपनी के रूल के अकॉर्डिंग तुम बिना कस्टमर की बात सुने इस तरह से फोन डिस्कनेक्ट नहीं कर सकती। जो भी है तुम्हें कस्टमर से रिस्पेक्ट से ही बात करनी होगी। हाँ तुम फोन कॉल तब डिस्कनेक्ट कर सकती हो कि अगर कोई कस्टमर तुमसे गलत लैंग्वेज में बात करे या तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करे, और ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे तुरंत चाहिए ताकि हम अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें। लेकिन तुम्हें इस टाइप की सिचुएशंस को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट?
ओके। नमस्कार सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर, आपकी जिंदगी बनाए आसान। नहीं यार, एक बार तेरे मुंह से सतनाम वाहेगुरु सुन लूं तो बस। ओए होए होए। सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर, आपकी जिंदगी बनाए आसान। नमस्ते जी, आप मेरी मदद कर सकती हैं? जी बताइए, क्या कंप्लेंट है आपकी? जी आपसे बात करके कल पूरी रात नींद नहीं आई, फिलहाल तो यही कंप्लेंट है। तो बताइए आप मेरी मदद कैसे कर सकती हैं? देखिए मैं जानता हूँ कि दिखने में आप काफ़ी सुंदर होंगी, है ना? तो मैं सोच रहा हूँ कैसी होंगी, अब दीपिका जैसे या कटरीना जैसे, या फिर दोनों को मिला के डीप कैट जैसे, है ना? देखिए दिखने में तो मैं भी काफ़ी डैशिंग हूँ, मेरे दोस्त कहते रहते हैं। अरे आप कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं ही अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है करण और मैं फाइनल ईयर कॉलेज में पढ़ता हूँ। पढ़ाई वढ़ाई से मैं कोई IAS IFS ऑफिसर तो नहीं बनना चाहता। और हाँ जी, कॉलेज में टाइम पास हो जाता है, इसलिए जाता हूँ। और आप कॉलेज जाते हैं क्या? सुलेखा मिक्सी ग्राइंडर में फोन करने के लिए आपका शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार। हेलो आप करण बोल रहे हैं? जी आप? ओए बाबा जी का फोन आ गया। ओए बस मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर ही ली जाए। ओ जी मैं भी अभी अपने दोस्तों को आप ही के बारे में बता रहा था जी। वो कैसे हो जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा क्या बात कर रहे थे कि कैसे एक कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की को तुम बेहुदा कॉल्स करते हो? हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुन। इस वक्त मैं अपनी शिफ्ट पे नहीं हूँ और अपने मोबाइल से कॉल कर रही हूँ। मेरा नाम है प्रीत कबल संधू और अगर तेरी औकात है ना तो मेरे कॉल सेंटर के बाहर आके मुझसे बदतमीजी करके दिखा। सरदारनी हूँ मैं, इतने छितर पड़ेंगे ना कि ऊपर से नीचे तक लाल हो जाएगा। तेरे जैसे बड़े बाप की औलाद को ना 2 मिनट में सीधा कर सकती हूँ, समझा? तुझे क्या लगा वहाँ मैं कुछ बोल नहीं सकती, इसका मतलब मैं तुझे लाइन दे रही हूँ? तेरे ऐसे बंदे को ना मैं मुंह नहीं लगाती, समझा? और आज के बाद मुझे कॉल करने की सोचना भी मत। और हाँ एक और बात, क्या कह रहा था तू, तू कॉलेज जाता है ना? मैं कॉलेज नहीं जाती क्योंकि मेरे लिए पैसा कमाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तू जाता है ना कॉलेज, तू वहां जाके याचिक करना। मुझे कॉल मत करना, समझा? बोला था ना सेटिंग नहीं कर पाई। गई और भाभी हाथ से गई। तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं, क्या आपका एड्रेस मिल सकता है? जी सर। काट दिया। यस सर। 9930 फिर से काट दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई। जी सर, हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट आपको जल्द से जल्द फोन करेगा। जी आपका दिन मंगलमय हो सर, नमस्कार। जी ओए कॉल सेंटर में ट्राई करता हूँ। सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर, आपकी जिंदगी बनाए आसान। हेलो प्रीत जी, मैं करण। प्रीत जी वो थैंक यू जी मेरा कॉल लेने के लिए। और वाहेगुरु जी की फुल कृपा कि मेरा कॉल आप ही को जाता है जी और कनेक्शन आप ही से जुड़ता है जी। नमस्कार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? प्रीत जी वो मैंने फोन किया था। क्या है ना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी प्रीत जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मैंने सॉरी कहने के लिए आपको फोन किया था। हाँ वो आपके सेल फोन पे भी बहुत बार मैंने ट्राई किया लेकिन आप उठा ही नहीं रहे थे जी, तो
इसलिए मैंने सोचा कि फोन लगाऊं कॉल सेंटर में। सर आपको हमारे किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए? देखिए मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक आपको बुरा लग सकता है। सॉरी जी, लेकिन आपने जो फोन पे कहा ना मुझे, बिल्कुल सही कहा मुझे, उसने तो मेरी आंखें खोल दी थी। ऐसे कभी मैं मजाक नहीं करने वाला, गॉड प्रॉमिस जी। प्रीत जी, I'm really, really, really very, very, very sorry जी। सही, सर्विस सेंटर सिर्फ कस्टमर्स के लिए है। अगर आपने हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसके बारे में जानकारी देके हमें बहुत खुशी होगी। प्रीत जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं सुलेखा मिक्सी ग्राइंडर में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया। ये चिपकू तो पीछे ही पड़ गया। ओ वाहेगुरु, फोन का कनेक्शन सीधा प्रीत के साथ ही जुड़ना चाहिए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर बनाए आपकी जिंदगी आसान। नमस्कार, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हेलो प्रीत जी, मुझे आपके सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर के बारे में जानकारी चाहिए थी जी। जी बोलिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओ जी, मैंने अभी ये सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर खरीदा है जी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ जी, तीन तीन जार्ज हैं, उसके साथ क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर वो तीनों जार्ज डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं। सबसे छोटा वाला जार वेट ग्राइंडिंग के लिए है, उससे बड़ा ड्राई ग्राइंडिंग के लिए है, और तीसरा लिक्विडाइजर। अच्छा जी, लस्सी किस में बनाते हैं जी? ओ मुझे लस्सी बहुत पसंद है, और आपको? सर आप सबसे बड़ा वाला जार लस्सी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, इसे लिक्विडाइजर कहते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। प्रीत जी, अभी तो मैं आपका कस्टमर बन गया हूँ, अभी तो माफ कर दीजिए प्लीज। हम अपने सारे कस्टमर्स की पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं सर। देखिए प्रीत जी, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त कुछ बोल नहीं सकती हैं, आपकी ये कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ तो सिग्नल दीजिए ना, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आपने मुझे माफ कर दिया है। आई होप आप हमारी सर्विस से संतुष्ट हैं। हाँ जी, बहुत संतुष्ट हूँ जी, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया जी, चंगा है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुलेखा मिक्सर ग्राइंडर में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। शुक्रिया जी। ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू। हेलो प्रीत जी, थैंक यू जी मुझे माफ करने के लिए और अब फोन करने के लिए जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि मुझे ऑफिस में डिस्टर्ब मत करना। ओ पक्का प्रॉमिस जी, कभी नहीं डिस्टर्ब करने वाला आपको अपने ऑफिस में, गॉड प्रॉमिस जी। लेकिन मोबाइल फोन पर तो कर सकता हूँ ना, मेरा मतलब है कि आप बात करेंगी ना मुझसे प्लीज? हाँ मैं सोचूंगी, अगर तुम तमीज से बात करोगे तो। ओ जी नो प्रॉब्लम, उस दिन आपने जो तमीज मुझे सिखाई ना, जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। वैसे आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात की नहीं, और की भी होती ना तो उसकी ऐसी मैं क्लास लेता ना कि। अच्छा तो फिर मेरी क्लास क्यों नहीं ली? वो तो पहले ही आपने मेरी क्लास ले ली तो मैं क्या। पर आपने जो कहा ना बिल्कुल सही कहा, मैं थोड़ा बिगड़ा हुआ तो हूँ, पर आज से पहले ना मेरे पास कोई दोस्त भी था जो मुझे ये बोले। हाँ माँ जरूर बोलती थी, लेकिन वो भी अभी छोड़ के चली गई मुझे। तो बस
दीदी आ गई तू? हाँ देख मैं पकौड़े बना रही हूँ, बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। हाँ मुझे पता है कि तू अंदर नहीं आएगी, रुक मैं वहीं लाती हूँ। दीदी जीजू का फोन आया? नहीं इतने दिन हो गए और कोई कॉल नहीं आया। खैर मेरी छोड़, ये बता कि आजकल तेरे चेहरे पे बहुत स्माइल रहती है, क्या बात है? बता कौन है वो? कुछ नहीं दीदी, बस है एक पागल। छोड़िए अब। जरूर कोई पागल ही है तभी तेरे चेहरे पे ना स्माइल रहती है। अच्छा ये बता कि बात कहाँ तक पहुंची? ये कहीं तक नहीं पहुंची है, वैसे भी अब जानती है ना वो मुझे एक बार देखेगा तो धूम दबा के भाग जाएगा वो। तू कुछ नहीं होने वाला, तू तो ना बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती। अरे तू रिश्तों से कब तक भागती रहेगी? और ये बता कि कितने साल हो गए इस बात को? एक बात बताऊं, जब रिश्ते और खुशियां आगे से आ रही हो ना तो उन्हें दोनों हाथों से समेट लेना चाहिए, वरना वो मुट्ठी से कब फिसल जाए कुछ पता नहीं चलता। चल तू बैठ, मैं पकौड़े लाती हूँ। जब रिश्ते और खुशियां आगे से आ रही हो ना तो उन्हें दोनों हाथों से समेट लेना चाहिए। अच्छा तो एक बात बताओ कि कॉल सेंटर की सारी लड़कियों में से तुमने सिर्फ मुझसे ही क्यों बात की? ओए होए वो तो मेरा गुड लक था कि तूने मेरा कॉल उठाया, और जब तूने सतनाम वाहिगुरु का नाम लिया ना ओए तो बस उधर ही फ्लैट हो गया मैं तो। करण तुम ना कमले हो, मतलब तुम पागल हो। आओ कोई शक? पता है इनने प्यार से वाहिगुरु का नाम मेरी माँ लिया करती थी, लेकिन अब तो वो नहीं रही तो। और तुम्हारे पापा? पॉप्स का तो दिल्ली में बिजनेस है, उनके पास कहाँ टाइम मेरे लिए, इसलिए मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, फ्लैट शेयर करते हैं हम। ओके तो दोस्त तो है ना तुम्हारे पास? हाँ फ्रेंड्स तो, लेकिन हाँ फ्रेंड्स तो हंसी मजाक के लिए होते हैं। जब अपने दिल की बात शेयर करनी हो तो कोई अपना ही चाहिए होता है ना। मेरे लिए वो मेरी माँ थी, लेकिन अब तो तुम हो हैं, तुम्हारे साथ तो शेयर कर सकता ना अपने दिल की बातें। अच्छा तेरे को पता है अपनी बातें शेयर करने के लिए अब हम लाइन पे भी कर सकते हैं। वो क्या है? अरे एक नया ऐप है, अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करना है और सीधा फ्री के फोन कॉल्स लगाने। वो ऐसा करते हैं, तू भी अभी डाउनलोड कर, मैं भी अभी डाउनलोड करता हूँ और फ्री में फोन लगाते हैं। ठीक है अभी तुझे मैं फोन करता हूँ उस पे। अरे नहीं सुनो, हेलो आओ। देखा एकदम इजी और बिल्कुल फ्री कॉल्स। रियली करण अब तुम मुझ पे भी पैसे बचाओगे? ओहो अभी रोज रोज इतनी लंबी लंबी कॉल्स करनी है तो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ राइट। अच्छा सुन, दो तीन दिन के लिए मैं धर्मशाला जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या वहाँ से? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। करण और प्रीत एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और सिर्फ फोन पे बातें करते करते एक दूसरे को अब तक उन्होंने देखा नहीं था, और प्रीत अपनी लाइफ एंजॉय करने लगी थी करण के साथ। करण की लाइफ का वो एक ऐसा पहलू जो प्रीत ने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसका वो कैफ्री एटीट्यूड, उसका वो प्रीत को हंसाना, ये सारी चीजें प्रीत को बहुत अच्छी लगने लगी थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रीत डरती थी इस बात से कि जब करण को सच्चाई पता चलेगी तो प्रीत का दिल टूट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली प्रीत के जख्मों ने प्रीत को अपनी एक ऐसी दुनिया में कैद करके रखा था जिस दुनिया से वो निकलना जरूर चाहती थी, मगर वो कभी निकल ही नहीं पाई। वो करण के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन उसमें कभी इतनी हिम्मत जुटी नहीं कि वो उस रिश्ते को आगे बढ़ाए।
करण? प्रीत, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। करण, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अरे हम कितने टाइम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो पॉसिबल क्यों नहीं है? और तू किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी नहीं है कि वहां जाके देखूं कि तू दिखती कैसी है। करण प्लीज छोड़ो ना ये सब। नहीं छोड़ना, सीरियसली प्रीत, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ यार। ए, तू नहीं जानना चाहती कि मैं कैसे दिखता हूँ? हैं? देख, मैं जानता हूँ कि तू बहुत सुंदर है, इसलिए तुझसे मिलना चाहता हूँ, तुझे फील करना चाहता हूँ। ए प्रीत, मैं तुझे बहुत लाइक करता हूँ यार। करण प्लीज, मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। मैं तुमसे मिल नहीं सकती। तुम्हें पता है मेरी फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं करण, मेरी लाइफ इतनी सिंपल नहीं है और इन सब चीजों में पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरे प्रॉब्लम किसकी फैमिली में नहीं होती? और सुन, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। हा? अच्छा, मेरी सिस्टर की प्रॉब्लम का क्या सलूशन है तुम्हारे पास? तो बता प्रॉब्लम क्या है। ठीक करण, 6 महीने पहले ना वो हमारे घर डिलीवरी के लिए आई थी। उन्हें बड़ी प्यारी सी बेबी हुई, फिर जीजा जी ने वापस नहीं लेने आए क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। ओ खुत्ते दा पुत्तर, बड़ा आउटडेटेड मॉडल है तेरा जीजा। आजकल तो पिंड के लोग भी ऐसा नहीं सोचते। पर क्या करें, सारे घर वाले समझा समझा के थक गए, मानते ही नहीं। वैसे करता क्या है तेरा जीजा? करण, वो ना गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते हैं। बड़ी प्यारी बेटी है उनकी करण। और दीदी को देख के ना मुझे बहुत बुरा लगता है, पर छोड़ो ना, इन बातों में कोई कुछ कर नहीं सकता, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। हेलो जी, ये प्रोफेसर कहाँ हैं जो आपको साइंस पढ़ाते हैं? वो रहे। सर जी, ओ बधाई हो, सुना है आपको बेटी हुई है। ए, तुम कौन हो? हाँ? अरे सर मेरी छोड़िए, आप तो वड्डा चंगा काम करते हो, हैं? यहाँ लड़कियों को आप साइंस सिखाते हो, देश की उन्नति के बारे में बात करते हो, हाँ? और खुद अपने घर में ऐसा काम करते हो। तो है कौन? हाँ? Don't interfere, okay? आज के आज ही अपनी बीवी और बच्ची को प्यार से घर ले जाइए, हाँ? नहीं तो तेरी तो मैं जो हाल करूंगा ना। और सुन, मेरी पहचान ना बहुत ऊपर तक है, तेरी एक टीचरी तो जाएगी, साथ ही साथ तुझ पे केस भी ठोक दूंगा, समझ ली? थोड़ा मुस्कुराओ यार, स्माइल कर, स्माइल। करण, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी एक्साइटेड साउंड कर रही है। एक्साइटमेंट वाली बात तो है ना, आज जीजू कॉलेज से घर आए और दीदी और बेबी को साथ में ले गए। आई डोंट बिलीव दिस। ओ तेरी, ये तो कमाल है जी। लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? पता नहीं, कुछ ज्यादा नहीं बोले, बस इतना कहा घर चलेंगे। सारे घर वाले इतने खुश थे ना करण, और दीदी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। देखा मैंने क्या कहा, हर प्रॉब्लम का तोड़ होता है। तुम ठीक कह रहे थे करण। आई होप अब उनके बीच में सब कुछ ठीक रहेगा। वो तू टेंशन ना ले, सब ठीक रहेगा। वैसे तेरे जिज्जा जी दिखने में अच्छे खासे पढ़े लिखे दिखते हैं, फिर भी ऐसी घिसी पिटी सोच कहाँ से? हाँ पता नहीं, शायद किसी को देख के उसका कैरेक्टर जज नहीं किया जा सकता। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता वो कैसे दिखते हैं? तेरे जिज्जा जी हैं तो दिखने में अच्छे ही होंगे। एक मिनट, सुबह मैंने तुम्हें ये बात बताई और शाम को प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसके पीछे मुझे तुम्हारा हाथ क्यों लग रहा है? और तू भी ना कुछ भी बोलती है। करण, करण तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया है। थैंक यू सो मच। ओए, इसका मतलब ये कि तू मुझसे फाइनली मिलेगी? करण प्लीज, तुम एक बात पे क्यों अटके रहते हो, कुछ और नहीं सोच सकते क्या? अरे प्रीत, मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट तू है यार, तेरे बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? ओए, ओए तू मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? हैं? देख, तुझे लगता होगा ना कि मैं वैसे टाइप का आवारा लड़का हूं, लेकिन मेरी बात सुन, लोग बदल सकते हैं, मैं बदल गया हूं सिर्फ तेरे कारण रीत, सिर्फ तेरे कारण।
जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। इतना महंगा? अजी लाओ जी, लाओ जी। अरे भाई पैसे कौन दे रहा है? बड़ी महंगाई हो गई है। वो क्या हो गया जी? सतनाम श्री वाहेगुरु। ओए वाहेगुरु वाहेगुरु, कितनी सोनी आवाज है जी आपकी। सोना बेच रहे हो क्या? चल देख प्रीत, रोने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि तुझे करण को एक चांस देना चाहिए, और वैसे भी तुझसे जो कर रही है ना वो ठीक नहीं कर रही। मैं क्या बात करूं उससे दीदी, जैसे मार्केट में मैंने उसकी आवाज सुनी मैं इतना डर गई दीदी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। अगर वो मुझे देख लेता तो इसलिए मैं वहां से भाग आई। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे रिजेक्ट करे, मैं टूट जाऊंगी दीदी। प्रीत, तू तो पहले से मन बना के बैठी है कि वो तुझे देखते ही रिजेक्ट कर देगा। देख, जब तक तू खुद अपने आप को इन जख्मों के ऊपर नहीं देखेगी ना, तब तक तो खुश नहीं रह पाएगी। और फिर क्या पता कि करण इस बात को समझे कि एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, और मेरे साथ भी हुआ, सो व्हाट। करण एक ऐसा लड़का है जो शायद तेरे जख्मों को अहमियत ना दे। आई थिंक तुझे उसको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से करण एक बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा लड़का है। और फिर मैं कैसे भूल जाऊं कि आज मैं अपनी फैमिली में खुश हूं तो वो उसी की वजह से। और उसने वो सब मेरे लिए नहीं किया, उसने वो सब तेरे लिए किया है। नहीं दीदी, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं ना इस बात को यहीं खत्म करूंगी, प्लीज। आप लोगों की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के लिए आज हम लोग कुछ फोन कॉल्स को स्पीकर फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल में लेंगे। ओह, फर्स्ट कॉल आ गया, सो लेट्स स्टार्ट विद प्रीत। सुलेखा, मिक्सर ग्राइंडर आपकी जिंदगी बनाए आसान। ओए प्रीत, तूने ऐसा क्यों किया यार? मैं जानता हूँ कि तूने मेरी आवाज पहचान ली। मैं जानता हूँ कि तुझे पता था कि मैं ही हूँ, तो फिर तूने जवाब क्यों नहीं दिया? सर, क्या आपका मिक्सर ग्राइंडर ठीक से चल रहा है? अरे बाहर में जाए तेरा मिक्सर ग्राइंडर। प्रीत, ओए सुन यार, देख सीधे से मुझे जवाब दे दे, तू मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती? सर,
सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। करण, हेलो करण, डॉक्टर साहब करण कैसा है? करण इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। देख तू कौन है? हेलो हेलो करण कहाँ है? क्या हुआ है? ओ जी करण का तो एक्सीडेंट हो गया जी। क्या हुआ है करण को? पता नहीं, हमें किसी का फोन आया था तब पता चला कि करण का एक्सीडेंट हो गया है, फिर हम उसे उठाकर यहाँ हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर करण का क्या हाल है? He is out of danger now. उसे कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, आप लोग चाहो तो उसे मिल सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। करण भाई तूने तो डरा दिया था यार, अब ठीक तो है ना? तेरा चेहरा देखने के लिए मुझे और बहुत डर गई थी करण, मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें खो ना दूं। क्यों प्रीत, की गल हो गई हैं? क्यों नहीं मिलना चाहती थी मुझसे? क्योंकि तुम्हारे लिए ठीक है, जिसे तुम मिलना चाहते थे, छूना चाहते थे, तुम्हें छूने के लायक नहीं है। थी तुम मुझे ऐसे हाल में देखो। देखो करण, मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम बिल्कुल ठीक हो। हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, हमारे बीच जो कुछ भी था करण उसे यही खत्म करते हैं। प्लीज 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 तुम आज के बाद प्लीज मुझे कभी कॉल मत करना। बोल दिया
बैठो। अब मैं बोलूंगा, वो तू मेरे लिए डिसाइड ना करियो। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाऊंगा, और वो भी ऐसे छोटे से स्कार की वजह से। मैं जानता हूं कि शुरू में मैं एक इडियट की तरह मैंने गलतियां की हैं, पर बाय गॉड, जब से तेरे नाल प्यार हुआ है ना, मैं तो बिल्कुल बदल गया हूं। गॉड प्रॉमिस। प्रीत, सच्ची बोल, तू मुझसे प्यार नहीं करती? तुझे वाहिगुरु जी की कसम। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां। मेरे पता नहीं क्यों इस जख्म को ना अपनी जिंदगी पे हावी कर लिया था। जिससे भी मिलती थी मुझे हमेशा ऐसा लगता था करण कि जो भी मुझे देखेगा वो सिर्फ मेरे इस कार को नोटिस करेगा। इस कार को मैंने अपनी जिंदगी बना लिया था, इसलिए मैं कभी किसी से नहीं मिलती थी, सबसे दूर रहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था करण कि कोई मुझे इस कार के साथ एक्सेप्ट करेगा। तुमने मेरे सारे वहम तोड़ दिए कर। थैंक यू। ओए, मैंने भी सोच लिया था कि अब अगर ये लड़की और नखरा करेगी ना तो बाय गॉड मैं बहुत कुछ तोड़ दूंगा। जट बुद्धि हो ना। तुमने एक्सीडेंट करा ही लिया ना। सही किया। चलो, उस बहाने तेरा ब्यूटीफुल सा चेहरा तो देखने को मिला। एक्सीडेंट से बिल्कुल पहले मैंने तुझसे कुछ पूछा था, तो दे दे जवाब प्लीज, नहीं तो वाहेगुरु जी की सौ फिर से कुछ करना पड़ेगा। आई लव यू करण। आई लव यू टू। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस एट @bindasTV, #ये है आशिकी। यू नो, कई कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी जिंदगी एक साथ बिता देते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और कई बार ऐसा होता है कि आप बस किसी से एक बार मिले और वो इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है। यू नो, क्योंकि अगर आपकी डेस्टिनी में प्यार लिखा है तो फिर आप कहीं पर भी क्यों ना रहे, प्यार आपको ढूंढने का है। आपको प्यार को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। Well, मैं अगले हफ्ते आपसे मिलूंगा एक और कहानी लेकर। टिल देन हम आपको मिलाते हैं एक ऐसी लड़की से जो अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल प्रीत की तरह छुपाना चाहती थी। Well, इसी वजह से हम उनका चेहरा नहीं दिखा सकते। हाय, मेरा नाम श्रुति है। मैं BPO के बैक ऑफिस में काम करती हूँ। रोहन और उसके फ्रेंड्स रोज मेरे ऑफिस में कॉल किया करते थे। एक दिन मैंने कॉल उठाया एंड कहा कि मुझे तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? तो मैंने उसे गुस्से में कह दिया, लुक आई एम एंगेज्ड, रुके मुझे आज के बाद कॉल नहीं करना। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ। फिर मैंने उसे सॉरी का मैसेज भेजा एंड देन फिर वो कॉल करने लग गया एंड देन हम दोस्त बन गए। और उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मेरे ऑफिस पर आ गया वो मुझे मिलने एंड उसने बताया कि मैं उसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट हूँ। नॉट मी, मेरा प्यार, ये निशान विशान उसके लिए कुछ नहीं था। द वे रोहन अप्रोच मी गलत था, पर मुझे नहीं लगता है कि हमसे इंस्पिरेशन लेकर किसी और ने ये करना चाहिए, क्योंकि किसी की नौकरी भी जा सकती है।